भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स और जल कर में की गई वृद्धि पर राजधानी रांची में आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन द्वारा तुगलकी फरमान के तहत रांची नगर निगम प्रशासन द्वारा बिना बोर्ड स्वीकृति के ही होल्डिंग टैक्स और पानी टैक्स में कई गुना वृद्धि कर दी गई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कोरोना के संकट के पश्चात आर्थिक रूप से कमजोर हुए सभी रांची वासियों पर टैक्स का इतना बड़ा कहर टूट पड़ा है कि आमजन त्राहिमाम कर रहे हैं। भाई गरीब लोगों को पानी कहाँ है, उनके यहाँ तक कनेक्शन ही नहीं हुआ है। हम लोग ही हमारी सरकार ने किया था कि APL को फ्री में, अब क्या है कि सबको कनेक्शन का पैसा देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार गरीबों को लूटने में लगी हुई है। और देखिए, इस सरकार की नज़र में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रह गया। ये सरकार सिर्फ मुद्रा मोचन में लगी हुई है और करोड़ों रुपये कमाने में लगी हुई है। इसके जब अधिकारी के यहाँ से करोड़ों रुपये निकल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होगा। कल सुब्रतो दा एक और बहुत बड़ा और आरोप लगाए हैं। कौन दा? सुब्रतो दा, सुप्रियो बोलिए। हाँ, सुप्रियो, हाँ, सुप्रियो भट्टाचार्य। हाँ, कल एक बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं कि तीन नेता झारखंड से दिल्ली गए थे, किस लिए? कौन नेता गए थे दिल्ली मुझे पता नहीं, मैं तो दिल्ली नहीं गया था, मैं पटना जरूर। अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी। अरे कि कहीं ना कहीं अपने ही नेता को अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री है जी, ठीक ठीक। दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य हैं, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री है, विधायक दल के नेता हमारे हैं, प्रतिपक्ष के नेता है। तो दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे भाई? दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ, कराची जाएंगे? नहीं, उनका कहना है कि रघुवर दास के खिलाफ ये लोग एक साजिश के नया चाल चल रहे हैं। अब वो तो भाई देखिए, उनका काम है आरोप लगाए। अब मैं तो कहूँगा कि सुप्रियो दा यदि कहूँ कि भाई वो खुद जो है सो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जेल चला जाए तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। मतलब आप ये चाहते हैं कि मुद्दा नहीं है तो गुआ बिराक आपके ऊपर दे रहे हैं? कोई मतलब नहीं है, हर बात का जवाब देना सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, कोई अपने पार्टी पे इस तरह का काम नहीं करता है। मेरा कहना है कि जो भी गलत किया हो, सरकार तो उनकी है ना, सुप्रियो दा की सरकार है ना। सरकार ने लगातार जनता के ऊपर बोझ डाल रही है, चाहे जल कर हो या राजस्व हो, दोनों तरह से। होल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ऑटोनोमस बॉडी रांची, कोई भी नगर निकाय है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के काउंसिल में जब तक पारित नहीं हो जाता तब तक किसी राज्य या किसी शहर में आप होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते हैं। वो अपना बोर्ड ही तय करेगी कि कानून बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सरकार का काम है बढ़ाना, लेकिन हमारी जो छोटी सरकार है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनका एक जिम्मेदारी होता है कि काउंसिल मीटिंग में लेके आना। ये नगर आयुक्त का काम है, जिसको नगर आयुक्त ने नहीं लेकर के आए, सरकार के इशारे पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जल कर और होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया है, जो सरासर गलत है, नियम का गलत है। बाबूलाल मरांडी ने भी होल्डिंग टैक्स और जलकर में वृद्धि के फैसले की आलोचना की है। इसे तानाशाही और तुगलकी फैसला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।